हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू ऑल हैव टेकन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नाउ, एंड इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन एनी अदर यूनिवर्सिटी देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट colleges are reopening in March or not, means what is the possibility, and if there is some possibility or more possibility, then are the students really prepared for them or not. So let's start. So I think as you all know that Delhi government has announced that students of classes 10th and 12th आर अलाउड टू गो बैक टू देयर स्कूल्स फ्रॉम 18th of January। तो मंडे से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि कॉलेजेस भी पक्का ओपन होंगे। तो अभी तो नहीं हो सकता कि मींस अभी जनवरी में तो नहीं लग रहा, क्योंकि लाइक फ्रॉम 1st February दे मे ओपन फॉर 3rd year स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दिस थिंग। तो हो सकता है उसके बाद फेबररी के बाद मार्च में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, कॉलेजेस जो हैं मींस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन हो जाएं। तो अब अगर कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो क्या होगा कि आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और वो दो ऐसी चीज़ें मेन हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। एक तो वो है कि आप अगर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं, तो आपको हॉस्टल्स या पीजीज या मीन्स अपने रहने का अरेंजमेंट करना होगा। और दूसरा चीज़ जिसके लिए हर एक बच्चे को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा वो होंगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि अभी तक तो हमारा यही चल रहा है कि आपके OBE मीन्स ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियोज़ भी आई हैव अपलोडेड इन माई DU प्लेलिस्ट, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो अब हम ये दोनों चीज़ों को ही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो पहली चीज़ आ जाती है आपकी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में अगर आपने हॉस्टल बुक कर लिया है तो वेल एंड गुड, मींस अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपका हॉस्टल हो चुका है बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो दैट इज़ वेरी गुड। बट वी ऑल नो दैट हॉस्टल्स आर ऑल्सो लिमिटेड, जस्ट लाइक द सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ हॉस्टल्स आर ऑल्सो लिमिटेड। तो ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी, मीन्स वी नो कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको एडमिशन ही नहीं मिल पाया। तो फिर जिन सबको एडमिशन मिल गया है, ऐसा एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफ़ी होगी कि उन सबको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो अब अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आपने क्या करना है, आपने अपना PG या फिर प्राइवेट हॉस्टल्स भी होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स या फिर PGs होते हैं, तो आपको लाइक वो सब अभी से देखना पड़ेगा। अगर आपके मार्च में मींस अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल मींस अगर स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो वी डोंट थिंक कि कॉलेजेस क्लोज रहेंगे, कि कॉलेज के बच्चे बड़े होते हैं स्कूल के बच्चों से, तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो बी ओपनड। अभी नहीं मीन्स 1 month 2 months कभी भी मार्च तक तो ओपन हो ही जाएंगे होपफुली। वैसे भी अब वैक्सीनेशन आ चुका है तो अब सब कुछ ओपन होना ही है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने अभी तक PG अकोमोडेशन भी अपना नहीं देखा, बुक नहीं किया, तो यू शुड डू दैट। अब आप सोच रहे होंगे कि पता तो है नहीं कि कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप सिर्फ बुक करा के रख सकते हैं, मींस थोड़ा बहुत अमाउंट देकर, क्योंकि बाद में एकदम से सडनली अगर मार्च में आपके कॉलेजेस ओपन होते हैं तो मार्च में आपके एग्जाम्स भी हैं, तो वो फिर आपके लिए एक डबल ट्रॉमा हो जाएगा कि अब हम रहने का अरेंजमेंट देखें या हम अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करें। तो इट विल बी बेटर, इट विल बी वाइज कि आप अभी दिल्ली एक बार विजिट करें, अपने कॉलेज के आसपास देखें कि आपको वहाँ पर रहने का खाने का क्या अरेंजमेंट हो सकता है, तो आप उसको अभी फाइनल कर लें, मीन्स थोड़ी बहुत पेमेंट करके जो भी है आप उनसे बात कर लें कि जब भी कॉलेजेस ओपन होंगे हम रहने तब आएंगे, बाकी हम बुकिंग अभी करा देते हैं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए और आप सीधा अपना सामान पैक करके आकर यहाँ पर रहने लग जाएं। तो अब हमारी दूसरी बात आ जाती है एग्ज़ाम्स की। तो अभी तक ये है कि आपके एग्ज़ाम्स भले ही कॉलेजेस ओपन भी हो जाते हैं तो हो सकता है ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये तो है नहीं कि आपको बस बुक खोली और आपको क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएंगे और आप उनको बुक में से देख कर लिख के भेज देंगे। तो इस
मिसअंडरस्टैंडिंग में, इस मिसकॉन्सेप्शन में आप बिल्कुल मत रहें। आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी ही है, वो अभी से ही करनी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि मार्च आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो भले ही वो ओपन बुक एग्ज़ाम है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो भी है, उसकी प्रेपरेशन तो आपको पूरी अभी से ही करनी पड़ेगी। और अगर वो ओपन बुक एग्ज़ाम भी है तो भी आप इस मीन्स चीज़ में मत रहें कि बस बहुत इजी हो जाएगा और सब बच्चे पास हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको मीन्स पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी एकदम से नहीं होते। ऐसे नहीं होते कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हों, वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसमें भी मीन्स आप बुक में से हिंट्स ले सकते हो, बट वो लिखना आपको खुद ही पड़ेगा। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अभी क्या करना है, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और अगर आप आउटस्टेशन कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, प्लस आपको अपना एकोमोडेशन का अरेंजमेंट भी करना है। तो ये दो चीज़ें की तैयारी आपको ऑब्वियसली करनी है। बाकी जो चीज़ें प्रेपरेशंस होती हैं, मीन्स आपको जो कपड़े खरीदने होते हैं आपको, मीन्स अगर आप कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं अपने किसी शहर से किसी दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब तो आप तब भी कर सकते हैं जब कंफर्म्ड ऑर्डर आ जाएगा कि इस डेट से आपके कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं। तो बाकी बैकलॉग में ये जो दो प्रेपरेशन है वो आप अपनी करके रखें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज लाइफ। आई विश कि सब बच्चों का कॉलेज लाइफ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होते ही आपके एग्ज़ाम्स हैं तो यू हैव टू स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। और टेस्ट के साथ साथ आपको इंटरनल असेसमेंट में भी पूरा ध्यान देना है, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, कि उसमें भी आपको अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, जो टेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को अपने टाइमली सबमिट कराना है और तभी आपको इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो होप कि आपकी कॉलेज लाइफ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। अदरवाइज ऑन योर हाउ टू स्कोर वेल इन योर OBE, फॉर दैट आई विल मेक अनदर डिटेल्ड वीडियो। तो सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग एंड लाइक द वीडियो।